अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में देखिए, हमारे ये ओवरलॉक का मशीन है, इसमें टाका नहीं पकड़ रही है। ठीक है, तो हम पहले चला कर देख लेते हैं। ये तीनों धागा, ये देखिए इसमें भी लगी हुई है धागा। ठीक है, ऊपर वाले में भी धागा फंसी हुई है। ठीक है, और तीसरा सुई ये है, इसमें भी है धागा लगा हुआ। ठीक है, लेकिन टाका नहीं पकड़ रही है। इससे पहले हमने काफ़ी पहले इसका टाइमिंग मिलाना बताए थे, तो क्या है, वो कैमरा ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था, इसके वजह से कैमरा जम कर रही थी, तो उसका सेटिंग नहीं कर पाया सही से। तो इस बार हम पूरा डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सामने का प्लेट है ना, इसको खोल के हटा लेते हैं और ये प्लेट को खोल लेंगे। टाइमिंग मिलाने के लिए दांत को भी खोल करके हटा लेंगे। ये देखिए, टाइमिंग मिलाने के लिए ये देखिए, ये सुई है। सबसे पहले हम ये साइड का और ये ऊपर का टाइमिंग मिलाएंगे। ये दो का मिलाने के बाद फिर नीचे का ये साइड का मिलाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये जो सुई है, ये धागा इस तरह रहेगी। ठीक है, दूसरा धागा ये अंदर के साइड में रहेगी, तो हम इसको अंदर के साइड में कर लेंगे। ठीक है, और ये धागा का साइड इधर कर लेंगे, ये बीच में पीछे के साइड में रहेगी। ये जो टाँका है ये देखिए, छोड़ दे रही है। यानी ये देखिए, ये सुई का होल है ना, ये जो सुई का होल है, यहाँ पे ये होल है, ये देखिए ये होल है, और ये जो सुई का होल है, तो बिल्कुल ये देखिए, अब इसके अपोजिट आए ना, ये होल में होल मिल जाना चाहिए था। अगर ये होल में होल मिल जाएगा, मैं ये इजी तरीका बता रहा हूँ, तो ये टांका पकड़ेगी, नहीं तो छोड़ देगी। ये देखिए, अभी हॉल के सेंटर में आने से, ये देखिए यहाँ पे हॉल का सेंटर है और ये हॉल का सेंटर है, ये देखिए, ये हॉल का सेंटर है और ये नीचे, यानी सुई ये जो सुई है ये ऊपर के हिस्सा में हो गई है। तो हम इसको खोलेंगे, ये देखिए, ये बोल्ट बिल्कुल है ना, इसको खोल खोल के बिल्कुल ये एक जगह जाम हो चुकी है। तो ये खोलेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, खुलना भी मुश्किल है। ये बोल्ट है ना, यहाँ पर का टूट जाएगी, नहीं खुलेगी नहीं। ठीक है, तो हम सुई को नीचा करेंगे, तो सुई को खोल करके ये देखिए, अब इसको ऊपर रख लेंगे, यहाँ पे रख लेंगे। अब दूसरा तरीका मैं आइए बता रहा हूँ कि ये देखिए, अब यहाँ पे लगाएंगे ना, यहाँ पे इस तरह चलाएंगे, ये सुई थोड़ा नीचे आना चाहिए था, यानी ये जो धागा है ना, ऐसे जो धागा जाती है, तो कम से कम ये देखिए, धागा को ये पॉइंट से फिसल जा रही है, यहाँ तक ये पॉइंट से फिसल जा रही है, इसके वजह से टाँका नहीं दे रही है। अगर हम ये सुई को नीचा करेंगे ना, तो ये धागा फिसलने नहीं देगी। तो पहले हम सुई को नीचे कर लेंगे, हमने इसको खोल लिया है,
सुई इतना पे रख लेंगे, सुई को थोड़ा अब इसको हम चला कर देखेंगे, सुई काफ़ी नीचे हो गई है। ठीक है, जब ये आते समय ना यहाँ का हॉल और ये सुई का हॉल दोनों एक बराबर हो जाना चाहिए। अब ये देखेंगे ये देखिए, अब ये सुई का हॉल और ये हॉल दोनों बराबर हो रही है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे यहाँ पे रख करके। ठीक है, एक सुई ले लेंगे या एक पॉइंट ले लेंगे, दोनों को हॉल का सेंटर मिला लेंगे। ये देखिए दोनों में ये पॉइंट से मिला लिया, इस तरह रख लेंगे। अब इसको हम टाइट कर लेंगे। मैं ये बाजू से भी आपको बता सकता था, लेकिन ये बाजू से बताऊंगा तो फिर थोड़ा आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कहाँ पे रखना है नहीं रखना है। तो ये इजी तरीका है, इजी तरीका मैं बता रहा हूँ ताकि कोई भी इंसान मिला सकती है इसका टाइमिंग आसानी से। ये देखिए दोनों धागा का एक सेंटर हो गया। देखिए ठीक है, धागा को इस तरह हम मोड़ लेते हैं नीचे के हिस्से में। अब ये देखिए हम ये देखिए पकड़ ली एक टाँका, इस तरह पकड़ लेगी क्योंकि अभी ये खाली है तो अभी ये पिसलेगी नहीं। ठीक है, एक टाँका चली गई, दूसरा टाँका ये आ गई, एक टाँका बन गई। ये देखिए इतना ये गार्ड बन गई ओवरलॉक की। अब ये नीचे का मैं मिलाना बताऊंगा, पहले ये धागा को सुजरा लेता हूँ। ये देखिए एक तो ऊपर का मिलाना बता दिया हूँ, अब ये धागा को पहले हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये धागा का मिलाना बता दिया था टाँका, और ये देखिए ये जो है इस तरह रहेगी, इस तरह धागा खींचा हुआ रहेगी। और ये साइड का सुई है ना, इसके बीच में जाएगी। ये देखिए दिख रहा है, ये देखिए इसके बीच में जाएगी, एक टाँका हो गया। ये देखिए दूसरा इसके बीच में से ही आएगी, दूसरा इसके बीच में से आएगी। ये देखिए फिर ये तीसरा है ना, ये देखिए तीसरा ये जो धागा है, ये धागा का ये देखिए ये है तीसरा जो है ना, ये ऐसे रहेगी और ये इस तरह आएगी। ठीक है, इस हिसाब से मिलेगी। तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, फर्स्ट में मिलेगी फर्स्ट में इसका मिलेगी, ये सुई इस तरह रहेगी, सुई का धागा इस तरह रहेगी। ये पॉइंट है ना, ये सुई का धागा जो है यहाँ पे, ये जो धागा है इससे ऊपर इसका पॉइंट जाएगी। ये देखिए सुई का ये हल्का खांच बना हुआ रहता है, ये खांच के पास से सुई में लगेगी नहीं, थोड़ा सा हट करके जाएगी ताकि ये धागा एक टाँका हो जाए। फिर हम इसको बैक जाते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्योंकि उल्टा साइड घुमा रहे हैं, अब हम ऊपर के हिस्सा में हम बोलेंगे बताएंगे। ठीक है, अब ये साइड का ठीक है, ये साइड यहाँ पे आके एक टाँका बन जाएगी।
ठीक है, ये अभी एक टाँका बन रही है, देखिए बीच में सपोर्ट नहीं है, इसके वजह से ये टाँका नहीं बना पा रही है, लेकिन ये बन गई है टाँका, ये देखिए ओवरलॉक का। तो इस तरह करके इसका टाइमिंग मिला सकते हैं। अब इसको हम टाइट कर देंगे, इसका जो है दांत खोले थे आपको बताने के लिए, अब इसको हम दांत फिट करके अब सिलाई चला कर देखेंगे कि अब मेरा टाँका पकड़ रही है कि नहीं। धागा को ऊपर कर लेंगे, सबको अलग अलग कर लेंगे। अब ऊपर का प्लेट लगा लेंगे कि हम इसको बैठाएंगे। ठीक है, ये बैठ गई। ये देखिए मेन सपोर्ट इससे है, ये टाँका बिनाती है, ये बीच में जो प्लेट का है ना, इससे टाँका बिनाती है। दाब को सेट कर लेते हैं। अभी टाइट हो गई है, ये साइड को हम बंद कर लेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं ओवरलॉक करके। ठीक है, ये डबल, ये सिंगल कपड़ा है तो हम इसको डबल करके पहले चेक करेंगे। ये देखिए अब बहुत फिनिशिंग दे रही है, एक जगह भी टाका नहीं छोड़ी है, कहीं पर भी टाका नहीं छोड़ी है। अभी ये डबल कपड़े पे हमने चला कर देख लिया, अब सिंगल कपड़े पे चला कर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंगल पे भी अच्छा सिलाई दी है, ये धागा पे है इसलिए फिसल गई है। तो इस तरह करके इसका टाइमिंग मिला लेंगे, बहुत आसानी से हमने इसको मिला लिया है। आपको बताने के लिए थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन इसी तरह से आसानी से मिल जाती है, इसमें कभी सताती नहीं ओवरलॉक की मशीन में। और कभी कभी क्या होती है कि ये जो सुई का पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट रहती है सुई, ये जो पॉइंट दिख रही है, ये सुई से ज़्यादा वो बाजू हट के रहती है, या कभी कभी ओवरलॉक में आवाज़ आती है ना, तो सुई सुई में एक टच हो करके ना यहाँ पे घिस जाती है, तो कभी कभी ज़्यादा टच होती है। अगर ये सुई ज़्यादा वो बाजू हटा हुआ है तो इसको हम यहाँ से खोल लेंगे, और ये पॉइंट है ना यहाँ पे का सुई, ये जो दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा है ना, इसको इसको टेढ़ा करेंगे, ये बाजू को हल्का सा टेढ़ा करके सुई के पॉइंट के पास सटा लेंगे। इस तरह करके टाइमिंग मिलती है। खाली इसमें समझ में आ जाए तो बहुत आसानी रहती है। ठीक है, तो हमारे वीडियो कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कोई भी सवाल है कॉमेंट करें। ठीक है।